नमस्कार, मैं कामेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। हिमाचल प्रदेश में लगातार 72 घंटों से हो रही वर्षा से अत्यधिक नुकसान हुआ। यदि बात की जाए जिस तरीके से शिव मंदिर में जो समर हिल में जो बादल फटा था उसका रेस्क्यू आज तीसरे दिन भी जारी है। बीते दिन की बात की जाए तो 4 वहां से शवों को निकाला गया, उससे पहले 9 शवों को निकाला गया। ऐसे में कुल मिलाकर जो समर हिल के शिव मंदिर में लगभग इस समय तक 13 शवों को निकाला गया है। और आज भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस प्रशासन समेत सेना के जो जवान है वो लगातार रेस्क्यू का कार्य लगातार जारी है। वहीं यदि कृष्णनगर की बात की जाए, बीते दिन जिस तरह सलेटर हाउस में लगभग 4 बजे के दौरान जो पेड़ गिरा, उसके बाद जो 4-5 इमारतें गिरी, उसमें लगभग 2 शवों को फिलहाल निकाल दिया गया, जिनमें से एक व्यक्ति का शव और दूसरे का एक कटा सर मिल पाया। ऐसे में जो रेस्क्यू कार्य लगभग 9:15 बजे तक रात्रि तक चला और आज पुनः सुबह से ही जो रेस्क्यू का कार्य है वहां भी लगातार जारी है। वहां भी एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, स्थानीय पुलिस और सेना के जवान लगातार रेस्क्यू कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अभी भी जो वर्षा है थमने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि आने वाले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में भारी वर्षा होगी। वहीं यदि बात की जाए जो शिक्षा संस्थान है उन्हें आज 16 अगस्त तक पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। खासकर अगर विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो विश्वविद्यालय एचबीयू यूनिवर्सिटी को लगभग 19 अगस्त तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो बालूगंज है सो यूनिवर्सिटी और समर हिल से दोनों जो सड़क मार्ग है वो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। जो बादल एडवांस स्टडी में फटा था उसके कारण जो दोनों ही सड़क मार्ग पूर्ण रूप से बाधित होगी। वहीं जो 130 वर्षों पुराना जो रेलवे ट्रैक था वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ। ऐसे में जो मलबा है सीधा शिव मंदिर में जा गिरा, जिसके कारण पूर्ण रूप से सड़क मार्ग बंद है। वहीं 20 अगस्त तक जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय की जो लाइब्रेरी है उसे भी 20 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। दुखद खबर यह है कि जो आकाशवाणी की रेडियो के जो प्रोग्रामर एंकर थे सलाउद्दीन बावर, जो फागली में जो लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें 5 लोगों की डेथ हुई थी और 5 लोगों को बचाया गया था, उनमें से जो एक मृत्यु हुई थी वह जो प्रसिद्ध आकाशवाणी रेडियो के एंकर थे सलाउद्दीन बावर, वो नहीं रह पाए क्योंकि वो अपने भाई को बचाने के लिए गए थे और खुद मलबे में जा दब चुके। इसके अतिरिक्त यदि बात करें हिमाचल प्रदेश में लगभग 48 घंटों के अंतराल में लगभग 62 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वयं कल 9 बजे के करीब कहा था कि हिमाचल प्रदेश में 48 घंटों में लगभग 60 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। वहीं उसके पश्चात 2 शव और जो किशननगर में मिले, ऐसे में जो आंकड़ा है वो 62 के करीब पहुंच चुका है। हिमाचल प्रदेश में अभी भी लगभग जो सड़क मार्ग है वो अवरुद्ध है। लगभग जो हिमाचल प्रदेश में 500 से अधिक जो सड़क मार्ग है जगह जगह लैंडस्लाइड हुए जो कि बंद है। वहीं यदि बात की जाए 2300 जो रूट है वो पूर्ण रूप से बाधित है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम की अधिकांश जो बसें हैं वो नहीं चल रही, क्योंकि जो नेशनल हाईवे की बात करें जो चंडीगढ़ शिमला और चंडीगढ़ से जो मनाली की तरफ जो सड़क मार्ग है जो नेशनल हाईवे, वो भी जगह जगह लैंडस्लाइड हो चुके हैं। ऐसे में जो छोटे मोटे जो संपर्क मार्ग है वो भी पूर्ण रूप से टूट चुके हैं। हम बात करेंगे कांगड़ा की, तो कांगड़ा में भी जो पोंग डैम से पानी जो छोड़ा गया है उसमें भी लगभग जो 500 के लगभग जो लोग हैं वो जलमग्न के बीच फंस चुके हैं। लगभग 1,44,000 पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण जो कांगड़ा का अधिकांश क्षेत्र जलमग्न हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार उन लोगों को रेस्क्यू कर रही है। इसका प्रभाव कहीं ना तो कहीं जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है। खासकर यदि बात करेंगे कांगड़ा के जयसिंहपुर और इंदौरा में काफी नुकसान हो चुका है और लगातार जो हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जो नुकसान है वो लगातार पहुंच ही रहा है। इसके बाद बात करेंगे जो शिव मंदिर में जो राम शरण वहां पर जो मिले, जिनका उपचार आईजीएमसी में हुआ, उसके पश्चात उन्होंने आप बीति व्यक्त करते हुए इंडिया न्यूज से भी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि वो सो रहे थे और अचानक 7 बजे के करीब 3 दिन पूर्व जो एक साथ बादल फटा और अफरा तफरी मच गई। उन्होंने बताया कि वहां भी लगभग 20 से 25 लोग होने की आशंका है, क्योंकि वहां पर उस समय यज्ञ चल रहा था, जबकि 15 अगस्त को वहां पर एक विशाल भंडारे का आयोजन होना था जो कि हर वर्ष की बात ही वहां पर होता था। ऐसे में हिमाचल प्रदेश में लगातार जो आपदाएं वो बढ़ती जा रही है। यदि हम डाटा की बात करेंगे तो अभी तक लगभग 283 लोगों से अधिक लोगों की जाने जा चुकी है, वहीं 304 लोग अत्यधिक घायल हुए हैं। बात करेंगे शिमला में लगभग 22 लोगों ने अपनी जाने गंवाई है, मंडी में 19, सोलन में 10, सिरमौर में 4, हमीरपुर में 1, कांगड़ा में 1, चंबा में 1। ये मात्र 48 घंटों
घंटों में लोगों ने अपनी जाने गंवाई। यदि बात की जाए जो 48 घंटे में लगभग हिमाचल प्रदेश को लगभग करोड़ों का नुकसान हो चुका है, जो ये आंकड़ा जो 8000 करोड़ था वो अब बढ़कर 10000 करोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 8000 से 10000 करोड़ आंकड़ा बढ़ चुका है। ऐसे में लगातार हिमाचल प्रदेश में जो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है ये चिंताजनक बात है। कृष्णनगर की जो स्लॉटर हाउस में जो एक मैनेजर थे और जो वर्कर वो कैश लेने गए थे और इस दौरान वो दबके मरे थे, ऐसे में बताया जा रहा है। जिला शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि उस क्षेत्र में जो रह रहे लोग थे उन्हें पहले ही अन्य स्थानों में सुरक्षित स्थानों में पहुंचा दिया गया था, लेकिन वो मैनेजर और जो वर्कर कैश लेने सेलेक्टर हाउस में गए थे। ये नगर निगम का इकलौता सेलेक्टर हाउस था जिसे लगभग 2014 के करीब 28 करोड़ से बनाया गया था। ऐसे में जो ये बिल्डिंग है पूरी तरह से धराशायी हुई। खासकर कृष्णनगर की बात करें तो कृष्णनगर एक नाले में बना हुआ कस्बा है। शिमला का जो नाला है, प्रमुख नाला है, वो उसके किनारे जो भी जमीन है हर साल देखा जाता है वहां पर लैंडस्लाइड होते हैं और काफी लोग अपनी जाने वहां पर गवाते हैं। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में किस किस विभाग को कितना कितना नुकसान अभी तक हो चुका है। बात करेंगे जल शक्ति विभाग में 1668 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। लोक निर्माण विभाग में 2248 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। बिजली बोर्ड में 1505 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। वही बागवानी में 1044 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। शहरी विभाग में 88 करोड़ से अधिक, कृषि विभाग में 256 करोड़ से अधिक, ग्रामीण विकास में 369 करोड़ से अधिक, शिक्षा विभाग में 118 करोड़ से अधिक, मछली विभाग में 13 करोड़ से अधिक, स्वास्थ्य विभाग में 44 करोड़ से अधिक। वहीं अन्य विभागों की बात की जाए तो 82 करोड़ से अधिक का नुकसान हो चुका है। ये आंकड़ा अत्यधिक आंकड़ा, यदि निजी आंकड़ों की बात करें तो इससे भी अधिक है। घरों की बात की जाए तो 1442 घर पूर्ण रूप से टूट चुके, वहीं आंशिक रूप से बात की जाए तो 8160 जो घर है वो आंशिक रूप से